प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है इसको देखिए, 7000-969-440। अपने विचार, सुझाव, कार्यक्रम को लेकर अपनी राय, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर पहले भी किन्हीं किन्हीं स्वरूपों में चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन ये विषय ऐसा है कि शाश्वत रूप से फिर किसी न किसी संदर्भ के साथ, परिप्रेक्ष्य के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ सामने आ जाता है। विषय ये है कि ईश्वर के स्वरूप को हम किस रूप में देखते हैं और उस तक पहुंचने का हमारा मार्ग कैसा है, क्योंकि मार्ग को लेकर हम खुद ही कई बार बड़े भ्रम में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये भी BA, BSc, मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने की तरह ही एक पाठ्यक्रम है इसका निर्धारित। सिलेबस के कुछ सवाल हैं, उन सवालों के कुछ उत्तर हैं, और उन प्रश्नों और उनके उत्तरों को हल करके ईश्वर रूपी इस समीकरण को हम हल कर लेंगे और ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। ईश्वर के पास पहुंचना यानी मोक्ष नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कितने लोगों का है वो दिव्य लोग होंगे जो मोक्ष की कामना के साथ ईश्वर से जुड़ते हैं। हम में से अधिकांश लोग ईश्वर से अपने कष्टों के निवारण के लिए जुड़ते हैं, यहीं से कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ ईश्वर से हमारा रिश्ता एक ATM मशीन या बैंक की किसी इकाई की तरह ही हो जाता है। ये रहे मेरे सत्फल रूपी पासबुक, यह आपके सामने है, प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता, उसने पैसे मांगे मैंने समय पर दिए, उसने नहीं लौटाए तो मैं भूलने की कोशिश करने लगा, और फिर हम कहते हैं अब लाओ, मैंने तो मदद की थी उसकी, मुझे लौटाओ, मैं तो भला आदमी हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए। यहीं से गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है मैं इस स्त्रोत का पारायण कर रहा हूँ बरसों से, फिर भी फल नहीं मिला। कुछ लोग इससे भी दुखी हो जाते हैं कि इन दिनों मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसीलिए जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। ये भ्रम पहले भी हम चर्चा इसकी कर चुके हैं और बहुत सुंदर इसकी व्याख्या भी सामने आई है कि ईश्वर के साथ तो एक मन की और मानस भक्ति का भी एक उपक्रम है। कि आपने अगर कहा कि पारिजात के पुष्प चढ़ाऊंगा, कल्पना कर ली अगर आपने तो वो मान लिया गया, चढ़ गया, आपने स्त्रोत पढ़ना है पढ़ लिया, लेकिन ये मन को संतोष नहीं देता, क्योंकि ईश्वर के जिस स्वरूप को हम जानते हैं वो बहुत ही भौतिक है, और इसीलिए हम भौतिक स्वरूप में ही ईश्वर के इस तत्व की कामना करके दुखी होते रहते हैं। लेकिन है क्या ईश्वर का ये रूप स्वरूप, उस तक पहुंचने का माध्यम किस तरह का, और आखिर हमारे सोचने में कहाँ गड़बड़ी और कोताही है, इसको समझेंगे भगवद गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ सर जी। आज आपने जो विषय चुना है चिंतन के लिए, उस विषय को व्यापक करते हुए भी आपने कई कई ऐसे संकेत दिए हैं जिससे उस विषय को और अपन व्यवहारिक लोकोपयोगी शब्दों को भी प्रदान कर सकते हैं। आप शायद ये भी कहना चाह रहे हो कि जिस मनुष्य के चित्त में परमात्मा की पूजा और आराधना का ध्यान आता है वो पूजा और आराधना का क्रम कैसा करे, क्योंकि आपने ये भी कहा कि जैसे कोई BSc, BA, BCom की डिग्रियों की अलग अलग उपाधियां होती है, तो किस क्रम से या कैसा चिंतन में ध्यान करे कि कैसे वो सुनिश्चित मान ले कि उसकी पूजा स्वीकृत हो गई है और कैसे परमात्मा तक उसकी आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची है, या कैसे उसकी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। ईश्वर के संदर्भ में जब भी ये चिंतन करते हैं आप कि ईश्वर का पूजा करना है या ईश्वर का ध्यान करना है, तो आप ये सबसे पहले मान लीजिए कि परमेश्वर की परम कृपा आपके जीवन में हो गई है, क्योंकि आज के इस भौतिकता भरे युग में, आज के इस कामना और वासना और तृष्णा लिए हुए और मृग तृष्णा की दौड़ वाले युग में आप परमात्मा का चिंतन यदि करने के लिए समय निकाल रहे हैं या आपके मन में उसका ध्यान भी आ रहा है, तो उसकी कृपा मान लें सबसे पहले। तो सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं जो अपने परिवार में माता पिता मार्गदर्शक गुरु के अतिरिक्त ईश्वर के प्रति अपने भाव रखते हैं, क्योंकि हम
हमारे यहाँ तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण कहा जाता है कि धन के प्रलोभ में हम 17 परिक्रमा कर लेते हैं किसी की, 17 बार उसके घर के चक्कर लगा लेंगे, एक बार कोई धनी हमें देख ले तो उसके लिए भी हम आतुर हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे और नाना प्रकार के विधान का उपयोग करते हैं कि कैसे वो हमारी ओर देखे, क्योंकि उसके एक चितवन से, एक दृष्टि से, एक सानिध्य से हमारे जीवन में धन की कृपा हो सकती है। तो हमारा अध्यात्म कहता है जैसे उस धन की तृष्णा के लिए, मनाने के लिए आप नाना प्रकार के विधान करते हैं, वैसे ही एक बार वो तुम्हारे ऊपर कृपा करे, देखे, तुम्हारी सुने, इसके लिए जितने भी मनुष्यगत उपक्रम हैं सब आप कर सकते हैं। ईश्वर के पूजा विधान में दो प्रकार के मार्ग हैं, एक अपरा एक परा। एक मार्ग अपरा का है, अपरा का मार्ग अनंत है, ये वही मार्ग है जिसमें चार वेद, छह शास्त्र और विभिन्न पुराण वर्णित हैं। ध्यान रखिएगा, परा में भी यही वर्णित है और अपरा में भी यही वर्णित है, लेकिन इसके भाग आपको करने पड़ेंगे। एक ओर ये आपको ब्रह्म को प्राप्त करने, स्वर्ग को प्राप्त करने, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार के वो तप जप यज्ञ बताता है जिसको शुद्धशील होकर, जागृत होकर आप करते रहते हैं। ये वो पहलवानी है जिसमें आप ये दावा करते हैं कि आप ईश्वर को जीत लेंगे, आप माया को जीत लेंगे, आप विषयों को जीत लेंगे, लेकिन ये ठगनी है, इनको आप कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं, इनसे कोई पार नहीं पा सकते। तो ये अपरा विद्या है जिसके आधार पर आपको ये बताया जाता है, देखो भाई तुम यदि प्रातः काल उठ करके इस प्रकार दान पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब ये कांक्षाएं, ये कल्पनाएं, ये आशा आपके मन मंदिर को जो है एक आच्छादित करने लगती है, एक स्वरूप देने लगती है। अब आप ध्यान कर रहे हो काय के लिए, स्वर्ग के लिए। आप ध्यान कर रहे हो काय के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए। आप ध्यान कर रहे हो काय के लिए, नौकरी मिल जाने के लिए। तो आप खड़े हैं उस दरबार में पहुंच गए हैं जहां मालूम चला कि भाई आप 5 शनिवार यहां आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब 5 शनिवार में भी उन्होंने समय निश्चित कर दिया, 12:32 पर आप अगर आए 5 शनिवार में तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, घड़ी देख के 12:32 पर आप वहां पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। ये आपकी वो साधना है जो अपरा साधना है। आप इसमें नियमित तो हो जाते हैं, अनुशासित तो हो जाते हैं, लेकिन आपके अंतर चित्र में कांक्षा होती है, फिर आप मुक्त नहीं होते, बद्ध हो जाते हैं। आप अपने घर में भी परमात्मा के विभिन्न स्वरूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपने हर दिन परमात्मा के लिए बांट दिए, ये भी तो आपकी अपरा साधना है। आपको लगता है सोमवार को शंकर जी की आराधना करना है, मंगलवार को हनुमान जी की करना है, तो बुधवार को गणेश जी की करना है, तो गुरुवार को जो है श्रीमन नारायण की करना है, इत्यादि इत्यादि आपने हर दिन बांट दिए हैं उनके लिए। जैसे विशेष सूची बना दी है कि आज आपका ध्यान नहीं करेंगे महाराज, आज तो मंगलवार है, आज तो हनुमान जी का नंबर है, उनका ध्यान करेंगे। आप द्वैतवादी हो जाते हैं, आपकी पूजा कर्म कांड पर आधारित हो जाती है, फिर आपको ये सब कठिन लगने लगता है। फिर आप जैसे ही आपके घर के लोग आपको कहते हैं बेटा मंदिर चला जाया करो, तो एक बोझ की तरह लगेगा, अब ये रोज़ रोज़ मंदिर जाओ, सवेरे नहा कर मंदिर जाओ जिस दिन, तो फिर आप उसकी आलोचना करने लगते हैं। धीरे धीरे आप अपनी स्वयं की बुद्धि जागृत कर लेंगे, स्वयं को संतुष्ट करने, क्योंकि आज काम नहीं किया ना आपने, आज आपको सुबह नहा के ठाकुर जी को अक्षत चढ़ाने जाना था ना, मंदिर जी जाना था ना, अब नहीं गए तो आप अपना अरे इससे क्या होता है मंदिर जाने के लिए, ईश्वर तो सब जगह हैं, घट घट में हैं, फिर नहीं गए तो नहीं गए। देखिए तर्क आप उस लिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपने वो काम नहीं किया है, वो आपको कठिन लग रहा है, वो आपकी नियमितता में नहीं आ रहा है, लेकिन इस तर्क में कुतर्क नहीं है। मन आपको भाव दे रहा है, स्मृतियां आपको सजा रही है। सबसे सुंदर पूजा होती है परा प्रकृति के लिए, उस ब्रह्म के लिए, उस परमात्मा के लिए जिसको चाहे जो नाम दे दो, चाहे जो स्वरूप दे दो, वो निराकार है, वो प्रत्येक कण कण में है, वो तेरे हृदय आकाश में बैठा हुआ है, तेरे भीतर बैठा हुआ है। तुम्हारा स्वयं का शरीर भी ब्रह्मांड है, जैसे ब्रह्मांड सचराचर सृष्टि है, वैसे उसी ब्रह्मांड का एक अंश तुम्हारा शरीर है। तो पूजा तो शरीर से ही प्रारंभ होती है सबसे पहले, इसलिए उसको शुद्ध करने कहा जाता है। पूजन तब शुरू हो जाता है जब प्रातः नींद खुलते ही आप नित्य क्रिया कर्म करते हैं, वो भी शरीर को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं।
क्यों, ये भी ब्रह्मांड है। स्नान ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, शरीर के संबंध में ध्यान दे रहे हैं, ये पूजन का विधान है, ये प्रभु का मंदिर है, यहाँ आत्मा निवास करती है, यहाँ प्राण तत्व रहता है तुम्हारे अंतर्चित्त में, पूजन इसी के लिए यही माध्यम है। वो कुकर सुकर सोचते हैं कि एक बार हमें अगर जन्म मिल गया इसका, जो ये दो पैर से चल रहा है, दो आंखों से देखता है, जो त्रिलोक को अपने कदमों में लाने की क्षमता रखता है, तो फिर हम बताएंगे हे परमात्मा एक बार अवसर दे। परमात्मा देता है अवसर, हम बनकर आते हैं, लेकिन जब हम बनकर आते हैं तो उसको छोड़कर सबका ध्यान करते हैं। जो पराशक्ति है, जो पराभाव है, जिसमें हम ब्रह्म की आराधना करते हैं, उसके लिए ये है कि सहजता से तुम जो अर्पित कर दो, जैसे भी उसका स्मरण कर लो, तन से, मन से, धन से, आचरण से, कल्पनाओं से, उसका जिस प्रकार का स्मरण कर लो। डॉक्टर साहब, कुछ मैंने ऐसे भी अभ्यासी इसमें सुने कि जिनका ये भी कहना है कि हम इस चिंतन से परिचित हैं कि मानसिक पूजा या मानसी पूजा का विधान भी उतना ही पवित्र है, लेकिन ये हमें हमारे पूजा के अनुशासन से विलग कर देता है, हम अलग हो जाते हैं और हमारा आलसी मन जो है वो हमसे कहता है फिर इतने इतना एक घंटे पूजा की क्या आवश्यकता थी, रे मूर्ख है तू, तो अपना बढ़िया यही है, वो प्रणाम कर मन से निकल पड़े, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा सरल विधान की तरफ जाता है। देखिए, आपने तो प्रतिलोम नाम ले दिए, मन कभी आलसी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, आलसी मन कभी नहीं हो सकता। मन तो पलक पलक मन मोर, मन जो है वायु से अधिक गतिशील है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तो स्थिर हो ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता। यही तो समस्या है। तो आपको कितनी कठिन चुनौती दी गई है। मानसी पूजा का अर्थ होता है इस मन को एकाकार करना, जो बिल्कुल आधारविहीन है, हवा से तेज गति से चल रहा है, उस गतिशील मन को एक पल के लिए एकाग्र कर लेना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। इसीलिए तो कर्म कांड का पहले विधान बना दिया गया था, 16 प्रकार के खोटा उपचार पूजन, ये सब घंटों आपको करा रहे हैं कि वो दौड़ने वाला मन इस बीच में एक पल के लिए स्थिर होता है क्या? क्योंकि जिस एक पल में वो मन, क्योंकि आपके प्रत्येक पूजन का सार मानसी पूजन ही है, आप वो घंटों भी जो पूजा कर रहे हैं उसमें मन को एकाग्र करने के लिए तो कर रहे हैं। गणेश जी को आपने न जाने कितनी बार अक्षत पुष्प चढ़ाए हैं, लेकिन कभी भी गणेश जी का चिंतन आपके मन में आएगा कि अक्षत चढ़ाते हुए आपको लगा हो कि जरा ये सूंड बचाकर उनकी, देखो सूंड है, उनकी आंख में ना लग जाए चंदन, ये भाव आया क्या तुम्हारे मन में? सुंदर बात है। जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और भद्रम करने भी कह रहे थे, कह रहे थे कि मैं सुंदर देखूं, सुंदर चिंतन करूं, स्वस्थ रहूं, अपने शरीर से मैं नित्य प्रति परमात्मा का स्मरण करूं, जब वो स्वस्ति वाचन कर रहे थे तो तुम्हारे मन में एक भी बार वो मंत्र गूंजे क्या? उनके भाव आए क्या? चलो तुम वो मंत्र नहीं जान रहे हो, जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तो तुमने एक बार कहा क्या, आहा आज परमात्मा की कितना सुंदर छवि दिख रही है। आप उनका लाड़ देखिए, उन गृहिणियों को देखिए जो ठंड पड़ने पर उठती हैं और कहती हैं आज ठाकुर जी को कंबल नहीं उठाया, ठाकुर जी को ठंड ना लग रही हो, वो है मानसी पूजा, वो है मानसी पूजा। अब उनके भाव में ठाकुर जी से विरक्ति नहीं है ना। तो होता ये है कि आप शरीर और मन को विरक्त कर लेते हैं। सच्ची मानसी पूजा ये है जिसमें शरीर जड़ हो जाए और मन चेतन के साथ मिल जाए, तब मानसी पूजा होती है। अब शरीर के अवयव इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, मन वो बुद्धि अपना काम कर रही है और आप मानसी पूजन कर रहे हैं। आज मुझसे कोई एक युवा बातचीत में प्रश्न भी कर रहा था कि गुरु जी मैं रोज अगरबत्ती लगाता हूँ नित्य प्रति, लेकिन किसी ने मुझे कहा है कि अगरबत्ती पूजन में नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा क्या ये तुम्हारे दिमाग में आ गया है क्या कि अगरबत्ती पूजन में नहीं लगाना चाहिए? यदि ये दिमाग में आ गया है तो मत लगाया करो, और नहीं आया है तो जैसे एक वातावरण को सुगंधित करने के लिए धूप दीप नैवेद्य हम अर्पित करते हैं, और हमारा मन जिससे निर्मल हो सके उस वातावरण का उपयोग करिए। ठीक बात है। तुम्हारा ध्यान इस पर जाए कि वो बांस का बना है तो हमारे वंश को नाश कर देगा, बांसुरी बजा रहे हैं कन्हैया बांस की, अगर तुमने उस अगरबत्ती में इतना मर्म देख लिया है कि वो काय का बना है, उसकी खुशबू जो है किससे आ रही है, तो आप ये समझ लो फिर आप तो बड़ा मौलिक परीक्षण कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है कहते हैं ठाकुर जी के लिए हलवा बनाना है
वो बाहर का आटा मिलावटी रहता है, घर में चक्की लगाया हूँ, मुझे दिखाने ले गया, इस चक्की का आटा लगाता हूँ और ये जो गाय बंधी है इसके दूध से ही घी बना करके मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ। कितना प्रमाद है तुम्हारे अंतर चित्त, कितने भाव हैं कि जब हलवा चढ़ाते होगे तो ऐसा देखते हो कि ठाकुर जी की तरफ की लो शुद्ध घी का हलवा तुम्हें मिलता है कहीं, तुम खाओ इसको। ये भाव तुम्हारे अंतर चित्त में यदि आ रहे हैं, आप सहज नहीं हुए हैं, सहज नहीं, आपका मनोवेग जो है एकाग्र नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, सनातन संस्कृति कहती है कि जैसे ही तेरे चित्त में परमात्मा का ध्यान आया तो परमात्मा की कृपा की अनुभूति करना प्रारंभ कर। तुझे लगे कि आहा आज मुझे परमात्मा का ध्यान आ गया, क्या तुम्हें उठते ही ऐसा लगता है? सोते समय कितने लोग हैं जो कहते हो कि हे परमात्मा तुमने मुझे दिन भर संभाले रखा, इस नश्वर काया की देख रेख करते रहे। कहीं नहीं है, वो ब्रह्मांड के भीतर हृदय आकाश में विद्यमान है, वो देखता है साक्षी भाव से तुम्हें नित्य प्रति, उनकी कृपा से तुम बोल रहे हो, उनके प्रकाश से प्राण प्रकाशित है। देखो आत्मा प्रकाश देता है, आत्मा सूर्य है, आत्मा सूर्य है, तो फिर चंद्रमा कौन हो गया? तब चंद्रमा प्राण हो गया, और जब प्राण सूर्य हो गया तो चंद्रमा कौन हो गया? वो अलौकिक सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जो उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं वो हो गया, धूप छांव की तरह तेरे मध्य विद्यमान रहता है। तो सबसे पहले आप परमात्मा का चिंतन करने लगे, जब चिंतन करें तो चिंता आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। चिंता का अर्थ है किसी प्रकार की कामना आपके दिमाग नहीं होना चाहिए, कामना विहीन पूजा आपकी मनोकामना पूरी करती है, ध्यान रखिएगा। मनोकामना जिसको कहते हैं, मेरे पिताजी सबको आशीर्वाद में कहते थे माता रानी मनोकामना पूर्ण करे, तो माता रानी कौन सी मनोकामना पूर्ण करे? जो कामना विहीन है, अर्थात तुम्हारे मन को तृप्त करे। ईश्वर के ध्यान का अर्थ होता है आप्लावित मन को अनंत शांति प्रदान करना, एक ऐसी ऊर्जा ग्रहण कर लेना जिससे आत्मस्फूर्त हो जाए। ध्यान रखिएगा, जो है यत विदना लिखते ललाट पट्टम, जो भाग्य में लिखा है वो तुम्हें भोगना ही है, उसके लिए पूजा का उससे संबंधित मत करिए, उसको उससे मत जोड़िए। बिल्कुल ठीक, आज ऐसा कर देने से ये हुआ, आप ध्यान रखिए पूजा जो मानसी पूजा है वो मनोरोगी बनाने के लिए नहीं है, मानस रोग से मुक्त करने के लिए। बहुत सारे लोग पूजन इस प्रकार करते हैं कि वो एक मनोरोग के शिकार हो गए हैं, उनको ये आज 5 बार नहीं पढ़ा इसको, आज 17 बार ये नहीं किया मैंने, आज देखो मैंने फलानी जगह जल नहीं डाला भूल गया, तो वो 24 घंटे जितनी देर उनकी पूजा चलती है उनका ध्यान इन्हीं बातों में रहता है कि उन्होंने कर्मकांड की व्यवस्था। आप करिए सहजता से, तो मानसी पूजा तो वो श्रेष्ठतम पूजा है जिसमें आप केवल अंतर चित्त में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो आप क्षणिक काम नहीं कर रहे हैं। अब आपने मन में ये ध्यान किया कि मैं आज गंगा का जल लेकर आऊँ, आपने एक झारी उठाई, एक पात्र उठाया, और अब आप गंगा की तरफ चल रहे हैं, तो आपकी यात्रा ऐसे जल भरने वाली थोड़ी हो गई। आप जाइए ना गंगा, रोज अलग अलग घाट में जाइए ना, तो जब मन आपका जाएगा, आज हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं तो हरिद्वार के दर्शन होंगे, आज चलिए इलाहाबाद से गंगा लाते हैं, आज बनारस से गंगा लाते हैं, तो आप जाइए ना वहाँ, उन सरिताओं के नाम का, उनके स्मरण का, उनकी यात्रा करिए ना, उस क्षण भर के कितने कितने कण हुए आपके जीवन में, और उसको लाकर उतने ही अविरल ढंग से मन में नहलाइए ना परमात्मा को। तो ये एकाग्र भाव जो है आपका, आप कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर रहे हैं। जो लोग मानसी पूजा करते हैं वो ही इस शरीर से बाहर होने की विधा को सहजता से समझ सकते हैं, वो इससे विरक्त समझ सकते हैं अपने आप को। हमारे जो ऋषि होते हैं वो इन्हीं मानसी पूजा के आधार पर, एक ऋषि बैठे हैं उन्होंने ध्यान किया तो ध्यान में उनको दूसरी ऋषि की आवाज़ सुनाई पड़ी, वशिष्ठ ने विश्वामित्र को पुकारा, विश्वामित्र ने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा आए नहीं प्रभु और दर्शन नहीं दिया, आप देखिए तो आपको आवाज़ें सुनाई पड़ने लगेंगी, परस्पर परमात्मा से वार्तालाप होने लगेगा, क्योंकि वो वार्तालाप आप अपनी आत्मा से करने लगे। बिल्कुल सही बात है। तो पूजन के विधान को सबसे पहले समझ लीजिए, सनातन संस्कृत की पूजा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पर आधारित नहीं है, हमारे यहाँ कणकण में ईश्वर को बताया गया है, हमारे यहाँ प्रत्येक पत्र में पुष्प में परमात्मा की अनुभूति की गई है, हम खड़े होकर बैठकर सोकर जागकर चाहे जैसे परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है, और यही वजह है कि अनेक ऋषि मुनियों के उदाहरण मिलते हैं कि ये
मध्य प्रदेश में रहते हुए हरिद्वार प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं, मानसिक स्नान ही की परंपरा होगी, लेकिन आपने अपने मानसिक स्नान से प्रतिफल वही प्राप्त किया जो हरिद्वार में गंगा स्नान का होता, और मन का वेग तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, और इसी मन को अगर आपने अध्यात्म और विज्ञान जैसे किसी समन्वय से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा पहले भी कि विज्ञान से ऊपर अध्यात्म है, तो उसको आपने साध लिया तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और यही वजह है जिसको छठी इंद्री बोलते हैं, आप कहते हैं आज बड़े भैया की आवाज़ सुनाई दी, और शाम को पता चलता है कि बड़े भैया किसी प्रसन्नता में थे या ईश्वर न करे किसी कष्ट में थे, और उन्होंने अपने छोटे भाई को याद किया। कहते हैं आज माँ की बड़ी स्मृति आ रही है, और माँ के साथ भी कोई घटना ऐसी घटती है जो स्मरणीय रहती है, और आप अपनी माता की स्मृति में डूब जाते हैं, आपको ऐसा लगता है किसी मित्र ने आवाज़ दी है। तो ये घटती हैं घटनाएं, आपकी मानसिक शक्ति जब सशक्त होती है, और वो तभी सशक्त होती है जब कामना रहित आराधना पूजा में किसी विधान में आप जुटते हैं। शरद जी, मैं एक तथ्य आपसे बात करते करते मेरे मन में आया, तो मुझे लगा कि हे प्रभु आनंद दाता के दर्शकों को इस अनुभूति से जरूर परिचित करो, ये भी रहस्य मुझे पिताजी ने कहा था। आपको ये देखना हो कि आपकी आराधना में परमात्मा कितनी अंतरंगता से आपके साथ जुड़ पा रहे हैं, वो निराकार रूप कितनी साकारता से आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है, इसकी सबसे पहले अनुभूति करिए कि तब संसार के सपने नहीं, उन सपनों में कहीं ना कहीं परमात्मा और संतों के दर्शन होने लगेंगे। तो आप समझ लेना अब आपका चित्त इतना शुद्ध हो गया है कि सपने में भी परमात्मा आपको दिखने लगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वो कामना रहित पूजा और आराधना है जिसमें भौतिक सुख सुविधाएं और भौतिक आनंद या अपने इष्टजनों के लिए हमेशा सोचते रहने का चिंतन निकल जाता है। क्योंकि जो ईश्वर पर छोड़ता है, जैसा कहा जाता है कि मेरी चिंता तो हरी कर रहे हैं, तो फिर वो काहे को चिंतित है फिर, यानी ये पाखंड है फिर तो, कि आप कह रहे हो कि मुझे ईश्वर पर भरोसा भी है और उसके कृत्य पर संदेह भी है आपको, साहब ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो ठीक नहीं हुआ, हमारे साथ तो नहीं होना था, पड़ोस में हो जाता तो ठीक था। ये चिंतन ही दरअसल बताता है कि ये किस्म का ईश्वरवादी चिंतन नहीं है, बल्कि ईश्वर पर गहरे अविश्वास का चिंतन है। लेकिन शायद हमने परंपरा से सीख लिया है ये रूढ़वादी चिंतन कि यही ईश्वर की पूजन आराधना है, इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आए संदेशों पर हमारा विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि बांस से बनी अगरबत्ती को बांस को जलाया जाता है, चूँकि सनातन परंपरा में पार्थिव देह को ले जाने की एक प्रक्रिया में बांस का उपयोग होता है, तो आप मान लेते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलाई जानी चाहिए, क्योंकि आप मन से तैयार ही नहीं हैं पूजा आराधना के लिए। आप तो दरअसल ईश्वर को, माफ़ कीजिएगा, आप उनको अनुकूलन की प्रणाली से उनको सिद्ध करना चाहते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए, जैसे आपका बॉस प्रसन्न हो जाते हैं, माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभावशाली लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर भी आपके लिए वैसा ही एक उपक्रम है कि सेट कर लें हम ईश्वर को, भैया कौन सी अगरबत्ती जलानी, नहीं जलाते आज से गूगल ही जलाते हैं। अच्छा, अब जैसा गोस्वामी जी ने बताया कि शुद्ध घी अपने घर में ही पैदा उत्पन्न कर रहे हैं, गेहूं भी अपने बायो फार्मिंग का है और चक्की भी घर की है, फिर भी सेट नहीं हो रहा है साहब ईश्वर तो, और वो तो रम्मू जो है उससे मान के बैठ गए हैं, रम्मू जो है जबकि कुछ नहीं करता है, वन में रहता है, आदिवासी है, और ईश्वर उससे प्रसन्न है। ये सब समझने की बातें हैं, समझिए उलझिए मत। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।